तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है बिकॉज ये कंप्लीट ट्रिक है इसमें हम सब के बारे में तो जानेंगे ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से स्टेप पर क्या चीज रिलीज हुई जिससे आप प्रिसीजन से कोई भी क्वेश्चन क्रैप साइकिल से रिलेटेड हो किसी भी एग्जामिनेशन को हो आप उसे हिट कर पाएं सो प्लीज श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें और आप अपने कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करें सो गाइज दीज आर सम सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ माइन यू कैन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इज प्रेजेंटेड ओवर सो ओजोन क्लास नाम का टेलीग्राम चैनल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मेरी सारी के अपडेट्स मैं खुद डालता हूं इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड आई डू हैव अनदर चैनल विच इज माई बैकअप चैनल उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल का नाम है नर्चरिंग ब्रेन और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो लेट स्टार्ट दिस इज द क्रैब साइकिल जो हम सब लोगों ने पढ़ी हुई है

A by oxidative decarboxylation, जिसके बाद आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाता है सो so यहां पर मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूं सिट्रेट से मिलता जुलता वर्ड जो है वह यहां पर है क्रिकेट ओके क्रिकेट एंड देर इज अ वर्ड कॉल्ड एस कोच ओके सो सी फॉर योर क्रिकेट विच इज समाउ सिमिलर टू द सिट्रेट अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखें तो लगभग कॉमन है देन सेकेंड सी इज फॉर कोच ओके देन इंडिया इट मींस दैट क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अ ओके अ ओके स्मार्ट स्टाफ ओके फॉर मेन ऑफिस जानी आपका जो क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया है उसने अपने ऑफिस के लिए स्मार्ट स्टाफ को अपॉइंट किया है सो क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसे आप सारे के सारे सबस्ट्रेट्स को याद कर सकते हो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस चीज से क्या रिलीज होगा सो क्रिकेट फॉर स्ट्रेट C for your cis aconitate, I for isocitrate, which is the only substrate that is starting from I, A for alpha ketoglutarate because alpha starts from A, right? So, A for alpha ketoglutarate, then S for your succinyl coenzyme A, then staff for succinate, F for your fumarate, okay? So, 4 is standing for fumarate, M for malate, it means that main for malate, and O for oxaloacetate. आफ्टर विच द साइकिल इज गोइंग टू बी इन द सेम पेस नाउ यहां पर अगर आप कुछ चीजें देखेंगे तो आपको जानकर मजा आएगा कि देखो सिट्रेट में कहीं पे भी एन या एफ नहीं है यानी यहां पर कुछ भी रिलीज नहीं होगा कोच में कहीं पर भी एन या एफ नहीं है सो तो यहां पर भी कुछ रिलीज नहीं होगा अगर आप बात करें इंडिया की सो तो इंडिया में आपका एन आ गया तो आई सिट्रेट जहां पर एन आ गया है इसकी स्पेलिंग में इसकी ट्रिक में यहां पर आप एनएडीएच को रिलीज कर सकते हो

एफ ए डी एच टू निकल जाएगा एफ ए डी एच टू निकल जाएगा क्योंकि यहां पर एफ भी है और टू भी है सो जब दो F आएंगे, तब आपको एफ ए डी एच टू निकालना है क्योंकि दो यहां पर वर्ड ये जो है दिस इज इंपॉर्टेंट राइट सो यहां पर फ्यूमरेट में सिंगल एफ आया है तो यहां पर कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि टू होना जरूरी है राइट जो कि मैं आपको बता चुका हूं अब मेन में, में दोबारा से एन आया तो यहां पर क्या होगा यहां पर जब ये ऑक्सैलो एसिटेट बनाएगा तो दोबारा से एन आपका रिलीज हो जाएगा सो so, क्या क्या निकला और आपका किस किस पोजिशन पर निकला ये आप अगर देखें तो आपको पूरी की पूरी साइकिल याद हो जाएगी देखो यहां पर आपका एन आया इंडिया में तो इस पोजिशन पर आपका एनएडीएच और सीओ निकला तो एक पोजिशन पर एन निकला सेकेंड आपका अपॉइंट्स में एन आया तो यहां पर क्या हुआ बेसिकली आपका एक और बार एन और सीओ निकला यहां पर सक्सिनाइल को A में A आया, तो इसके इसी स्टेप में यू नो टीपी और जी निकला फिर आपका डबल एफ आया तो इस स्टेप में आपका बेसिकली एफ एडीएच टू निकला ओके एंड देन आपका मेन में एन आया तो इस स्टेप में आपका एनएडीएच निकला यानी तीन एनएडीएच आपको देखने को मिले पहला आपका ये वाला सेकेंड आपका ये वाला एंड थर्ड आपका ये वाला इसके अलावा आपको एक जीटीपी देखने को मिला जो कि है ये वाला और इसके अलावा एक एफ निकला जो कि यह है सो इट इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ वन एसिटाइल को एनजाइम ए आपको पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पाइरुवेट बनते हैं और दो पाइरुवेट से दो एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं यानी अगर आपको टोटल कैलकुलेशन करनी है एटीपी की तो आप थ्री एनएडीएच जो बने हैं इसे फर्दर टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ग्लूकोज के लिए डेटा आ जाएगा अगर आपका एक जो एफएडीएच2 बना है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ग्लूकोज का डाटा आ जाएगा एक जो आपका जीटीपी या एटीपी बना है

यानी इन दोनों में कितने कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर सकते हो सिर्फ दो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग रिलीज कर सकते हो अगर तीसरा भी रिलीज किया इस एनएडीएच के साथ तो ये तीन कार्बन का बन जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल राइट सो सिर्फ दो जगह पर आपका सीओ टू रिलीज होता है ये मैं आपको कंसेप्ट में बता चुका हूं जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो so, इसीलिए तीसरा सीओ टू नहीं निकलता तीन so, पोजिशन पर NADH निकला एक पोजिशन पर एफ टू निकला और एक पोजिशन पर ए टीपी निकला किस किस पोजिशन पर वो आप याद कर सकते हैं जहां जहां पर एन है वहां से आपका निकाल दो NADH, जहां पर डबल एफ है वहां से निकाल दो एफ टू और जहां पर सक्सेनाइल है वहां से निकाल दो ए टीपी सो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगी होगी और समझ में भी आई होगी क्योंकि बहुत ईजी है और आप शायद आप इसे ना भूलें so, अगर यार ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर करो इस वीडियो को बहुत दूर तक फैलाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आप अपकमिंग कॉन्टेंट को कभी मिस ना कर पाओ सो so, पहले तो आप कि आज मैं वीडियो ज्यादा नहीं ला पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा थीसिस का काम आ गया है दोस्तों तो एक दिन का मैं यहां पर गैप लूंगा इसलिए मैंने छोटी वीडियो बना दी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी दिन बिना पढ़े सो जाए राइट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बिकम रेगुलर सो यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर दी कल मैं आप लोगों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाऊंगा उसके अगले दिन आपका स्ट्रैटेजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड देन टू chapters ऑफ योर इकोलॉजी तो ट्वेंटी फाइव तक जो वादा किया था ट्वेंटी फाइव तक हम लोग आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे दैट इज अ प्रॉमिस ऑल राइट थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर वॉचिंग दिस लॉर्ड्स ऑफ लव बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू